अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम घर की बनी हुई मलाई से बटर बनाएंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाता है, बिल्कुल अमूल बटर जैसा बटर बनेगा। हम करीब 5 दिन की मलाई से 1 किलो बटर बनाएंगे। ये बटर सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा, बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस रहता है। बटर हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। बटर को हम नान या रोटी के साथ भी खाते हैं, चॉकलेट बनाने में भी यूज़ करते हैं, क्रीम बनाने में भी यूज़ करते हैं, केक्स वगैरह काफ़ी चीज़ों में बटर का यूज़ होता है। तो देखते हैं कि घर पे हम बिल्कुल मार्केट जैसा अमूल बटर कैसे बना सकते हैं। बटर बनाने के लिए देखिए, ये मैंने 5 दिन की मलाई ली है। इसको मैंने 5 दिन तक डीप फ्रीज़र में स्टोर करा है। थोड़ी थोड़ी मलाई मैंने इसको कलेक्ट करी है। अगर हम मलाई को फ्रीज में स्टोर करते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है। हम 2 या 3 दिन ही मलाई को स्टोर कर पाते हैं, इसलिए मैंने इसको डीप फ्रीज़र में स्टोर करा है। इसको मैंने यूज़ करने के 3 घंटे पहले निकाल कर रख दी थी। देखिए, हमारी मलाई रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसको मैंने चम्मच से मिक्स कर दिया है ताकि इसमें लम्ब नहीं रहे, थोड़े बहुत लम्ब रहेंगे तो भी चलेंगे। इसका क्रीम टाइप बन गया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसके अंदर हम आधी मलाई डाल देते हैं। देखिए, आधी मलाई मैंने जार में डाल दी है। आधी मलाई हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम जार का ढक्कन बंद कर कर 20 सेकेंड के लिए ब्लेंड करेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है 20 सेकेंड। ये हमारी मलाई क्रीम बन चुकी है। आप इसे दाल मखनी, बटर चिकन या फिर किसी भी क्रीमी सब्ज़ी में यूज़ कर सकती हैं। ये हमारा क्रीम बनकर तैयार है, लेकिन हमें बटर बनाना है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा कुनकुना पानी डालेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है इसलिए हमने कुनकुना पानी डाला है। अगर आप गर्मी में बटर बनाएं तो आप इसके अंदर नॉर्मल वाटर या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें। इसको फिर से हम 20 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। देखिए, 20 सेकंड हमने मिक्सी को चलाया है, इसे चेक करते हैं। देखिए, हमारी मलाई थोड़ी थोड़ी बटर बन रही है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बन गई है ये। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी फिर से ऐड कर देंगे। फिर से हम ब्लेंडर को 10 सेकंड के लिए चलाएंगे। देखिए, हमने ब्लेंडर को 10 सेकंड चलाया है, इसे चेक करते हैं। हमारा बटर बनकर तैयार है। देखिए, बटर मिल्क सेपरेट हो गया है और बटर भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इस सेपरेट बटर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत आसानी से बन जाता है ये हमारा बटर। ये बटर को हम एक प्लेट में कलेक्ट कर लेंगे और जो बटर मिल्क है वो बहुत सारे डिशेस में यूज़ होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा डो और बहुत सारे डो में ये यूज़ होता है। इसे भी हम कलेक्ट कर कर रखेंगे। देखिए, बटर मैंने निकाल लिया है और जो ये बटर मिल्क बचा है इसको मैं एक जग के अंदर डाल देती हूँ। अब सेम जार के अंदर हम जो हमारी बची हुई मलाई थी वो डाल देते हैं। देखिए, ये मैंने डाल दी है। अब हम इसको भी सेम प्रोसेस से इसका बटर बना लेते हैं। बची हुई मलाई का भी हमने बटर निकाल लिया है, इसको भी हम वही प्लेट के अंदर डाल देते हैं। बटर मैंने कलेक्ट कर लिया है एक प्लेट के अंदर। अब हम जो हमने कुनकुना पानी लिया था वो डाल देंगे इस पे। हमने मलाई को 5 दिन तक स्टोर करके रखा है, इसलिए हम इसको वॉश करेंगे और हाथों से इसे दबाकर बटर का एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। देखिए, ऐसे वॉश करके हम बटर का एक्स्ट्रा पानी दबा दबा कर निकाल देंगे। पूरा बटर हम इसी मेथड से बना लेते हैं। देखिए, मैंने इस पूरे बटर को वॉश कर कर इसका पूरा पानी हटा दिया है। ये हमारा बटर बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। ये मैं येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। जो हम मार्केट से बटर लेकर आते हैं वो उसमें कलर रहता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकती हैं। अमूल बटर में सॉल्ट आता है, लेकिन मैं इसको चॉकलेट्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ बटर को, इसलिए मैं इसको अनसॉल्टेड रखूँगी। इसमें मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल लें। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा बटर रेडी है। एक बॉक्स के अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। जो हमारा बटर है मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ।
पूरा बटर डाल देती हूँ मैं। अब हम इस बटर को लेवल कर देते हैं। आप यहाँ पर बटर नाइफ से भी इसको लेवल कर सकती हैं। बटर को लेवल कर हम इसको सेट होने रख देंगे फ्रीज में। देखिए करीब एक घंटा हो चुका है, हमारा बटर भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए हमारा बटर बनकर तैयार है। मैं इसको कट करके बताती हूँ आपको कितनी आसानी से कट रहा है हमारा बटर। ये टेस्टी बटर बनकर तैयार है। ये होममेड है लेकिन ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना है। आप इसे टोस्ट पर भी लगा सकती हैं, पराठे या नान पे भी लगा सकती हैं। ये सभी चीज़ों में यूज़ होता है, चॉकलेट्स में भी यूज़ होता है, केक्स में, क्रीम्स में, पाव भाजी में। बटर तो बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ है। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये मेरी बटर की मेथड कैसी लगी। आप 10 से 15 दिन तक इसे फ्रीज में स्टोर कर रख सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बटर ख़राब हो रहा है तो आप इसे लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट कर लीजिए तो ये घी बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये मेथड पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।